नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, एक वैकेंसी की। तो एकदम शुरू से मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। गूगल तो सभी के पास होता ही है, गूगल पे आपको कुछ नहीं टाइप करना है, डीएसटी बिहार टाइप करना है, ठीक है? डीएसटी बिहार, ठीक है? एकदम शुरू से मैं आपको बताऊंगा। डीएसटी बिहार टाइप किया मैंने, देख सकते हैं सबसे पहला वेबसाइट खुल चुका है मेरे, ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसका नोटिस बोर्ड में इधर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद पर संविधा के आधार पर नियोजन के संबंध में, ठीक है? तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने खुल चुका है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक व्याख्याता के पदों पर संविधा के आधार पर नियुक्ति, ठीक है? तो ये एक छोटा सा नोटिस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट में, ठीक है, अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट में कुल कितना वैकेंसी है, तो 24 टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिया हुआ है, कौन कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, ठीक है। आरक्षण तो ऑब्वियस सी बात है लागू होगा ही होगा, मान दे आपको 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आप मानविकी मानविकी एवं विज्ञान में जो है सो स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ साथ में आपको नेट क्वालिफाइड भी होना चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा 1 मार्च 2019 तक मिनिमम आपका जो है 22 साल होना चाहिए, ठीक है। नियोजन अवधि जो है सो कि आपका संविधान के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 1 वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा प्रणोदा नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले होगी, ठीक है, जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके आधार पर आपका वो नियोजन अवधि होगा। चयन प्रक्रिया क्या है, विज्ञान एवं मानवीय संज्ञानों में यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर नेट नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च मतलब कि जो है कल से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने की जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दिए, तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना दूंगा कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोगों के कमेंट के हिसाब से मैं देखूंगा, आप लोगों का कमेंट जैसा आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है उसका प्रिंट आउट आपको निकाल कर रख लेना है। और विस्तृत जानकारी वेबसाइट, तो इसका वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक भी मैं वेबसाइट में दे दूंगा, और ये जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, यदि लगता है कि दोस्तों तक भी इस नोटिस को पहुंचाना है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपको लगता है कि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसमें यदि आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।